के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हम ये आज ये तमाम चीजें एक छोटी सी हमारी कोशिश है जो मेयर साहब के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड पर जाकर ऐसे माहौल में जब कोविड वायरस चल रहा है और उन आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनके हौसला बढ़ाने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए, उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए ये MIM पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मेयर साहब का, अरविंद कुमार साहब का, लोकेश साहब का, कमिश्नर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ ये आशा वर्कर या आंगनबाड़ी वर्कर जाएंगे, पूरे हैदराबाद की आवाम इनका ताउन करेंगी, इनका कोऑपरेट करेंगी और जब उनके घर पे आएंगे वो उनको इज्जत के साथ उनको वेलकम करेंगे। क्योंकि याद रखिए, कोविड या कोरोना वायरस को अगर रोकना है तो बहुत ज़रूरी है कि आवाम, पब्लिक, जनता गवर्नमेंट से पूरा कोऑपरेट करे और ख़ास तौर से जो हमारे हेल्थ के जिम्मेदारान हैं, चाहे डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों या पुलिस हों या फिर इस तरह के आंगनवाड़ी आशा के वर्कर्स हैं, इनसे प्लीज़ कोऑपरेट करिए। ये आपके घर पे आएंगे क्योंकि ये मालूमात हासिल करने के लिए आ रहे हैं और हमारी और आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम GHMC एरिया में इस कोविड वायरस को जो बढ़ रहा है इसको रोकें, क्योंकि हर रोज़ 10 से 12 केसेस ज़्यादा GHMC से आ रहे हैं। इसलिए हम तमाम को मिलकर इसमें कोशिश करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना चाहिए और ख़ास तौर से आज रात इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के महीने का आगाज़ हो रहा है। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम से अपील करना चाहूँगा कि आप तरावी की नमाज मस्जिदों में अदा मत करिए, क्योंकि शाम में 7 बजे से कर्फ्यू है और कर्फ्यू में कोई घर से नहीं निकल सकता। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करना चाह रहा हूँ आवाम को कि अपने घर पर बाजमात तरावी का अहतमाम मत करिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग के ख़िलाफ़ होगा और इसीलिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर आप तक पहुँचाए जा रहे हैं इस उम्मीद पर कि हम मिलकर इसको रोकेंगे, क्योंकि आवाम अगर साथ देगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको रोक पाएंगे। यकीनन ये लॉकडाउन का पीरियड तो आसान वक्त नहीं है, बहुत सी तकालीफ हैं, ख़ास तौर से गरीबों को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, इसका भी हमको अंदाज़ा है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मेयर साहब का कि ख़ास तौर से और KTR साहब का, चीफ मिनिस्टर का, कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में मेरे रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, कबूल किया और नियरली 55 नए अन्नापूर्णा के सेंटर्स पूरे फुली ऑपरेशनल हो चुके हैं हैदराबाद पार्लियामेंट असम्बली सेगमेंट में, नामपल्ली असम्बली सेगमेंट में। और मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि अगर आप रोज़ा रहते हैं तो शाम में 6 बजे तक ये अन्नापूर्णा सेंटर्स के ऊपर खाना फ्री में दिया जा रहा है। आप 6 बजे तक भी जाकर लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखकर वहाँ से खाना अपने घर को लेके जा सकते हैं, खाना फ्री में दिया जा रहा है। ये चीज़ भी आपको पहुँचाना था। मैं अब मेयर साहब के हवाले ये तमाम किट्स करता हूँ। सर, 800 किट आने का है सर, वो कल आपके पास पहुँचाए थे, अभी जो